नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि। एंड लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि सेटिंग द सीन, जो कि पूरा भगवत गीता शुरू कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में जाना था। मैंने बोला था कि अगले वीडियो में हम इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे कि जो हमारे इस बुक के पर्टिकुलरली पब्लिशर है, उन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन किया है। उन्होंने ये बोला है कि बहुत सारे जो भगवत गीता के एडिशंस मिलते हैं, वहाँ पे बहुत सारे राइटर्स जो है वो अपने मनगढ़ंत कुछ एक्सप्लेनेशंस भी देते हैं, जो कभी कभार सही नहीं भी होते हैं। बट भगवत गीता एज इट इज़ जो है, उसमें एकदम एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशंस दिया गया है, जो कि जेन्युइन है एंड जो समझने में इजीली आएगा। एंड उसके अलावा भी बहुत सारे अदर मतलब अलग अलग बुक्स भी हैं उनके, जो उनके नाम मेंशन किया गया है कि श्रीमद् भागवतम, श्री ईशोपनिषद और बहुत सारे ऐसे हैं। भगवत गीता एज इट इज़ जो है वो पहले एक अलग फॉर्मेट में था, थोड़ा कम एक्सप्लेनेशंस शॉर्टर फॉर्म में थे। अभी एक्सप्लेनेशंस वो लोग इस पर्टिकुलर एडिशन में जो मेरे पास है उसमें थोड़ा अच्छे मतलब प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस के साथ में दिया है। तो इसी चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमें हमेशा ऐसे मतलब एक्सप्लेनेशंस की तरफ, जैसे कि इस बुक में है, देखना चाहिए, जिसमें अच्छे से मतलब जो श्री कृष्ण भगवान ने जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है, जिस तरीके से उन्होंने भगवद गीता को, जिस मैं बताना चाहती हूँ ऐसे कि जो चीज़ वो बोलना चाहते थे वही चीज़ को हमें समझ में आए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो इस बुक में बोलना चाह रहे हैं जो पब्लिशर, कि वो गारंटी कर रहे हैं कि इस बुक में एकदम एग्जैक्ट और जेन्युइन एक्सप्लेनेशंस है जो कि हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो यही चीज़ उन्होंने मेंशन किया है। फिर आ जाते हैं कि इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन में पहले बोला जा रहा है कि कुछ कुछ श्लोक्स जो हम बाद में भी जानेंगे उसको थोड़ा पहले एक दो बार बता दिया गया है, कि हम सभी जो है वो इग्नोरेंस के साथ में जब जन्म लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती है, जो कि हम जीवन काल में आगे चलते चलते पता करते हैं। एंड बाद में वो आत्मा जो पता करके नेक्स्ट जन्म में जाती है, ये सारी चीज़ जो उसको पता रहती है वो उसको हेल्प करती है नेक्स्ट जन्म में उसके जर्नी में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्पिरिचुअल मास्टर जो हमारे कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने हमें नॉलेज के ज़रिए, इस बुक के ज़रिए हमें नॉलेज देके हमें एनलाइटन कर रहे हैं। एंड बाकी बहुत सारे गुरु, क्योंकि अकेले हमेशा एक जर्नी पे चलना आसान नहीं होता, तो कभी कभार गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे बहुत सारे गुरु के नाम मेंशन किया गया है, जो इस पर्टिकुलर जर्नी में खुद भी रहे हैं एंड लोगों को हेल्प भी कर सकते हैं। यहाँ पे जिन भक्तों के बारे में, कृष्ण भक्तों के बारे में मेंशन किया है, जो कि बहुत ही फेमस भक्त है, उनमें से है श्रीला रूपा गोस्वामी प्रभुपदा, फिर लॉर्ड चैतन्य जी तो है ही, उसके बाद सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्टा, गोपाला भट्टा, श्री जीवा गोस्वामी, फिर अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास आदि, जिनका नाम प्रभु नित्यानंद, चैतन्य प्रभु चैतन्य, इन सब का नाम हमें क्या करना होता है ना, जब भी माला जाप करना होता है, बोला जाता है कि जो पांच महाभक्त थे उनका नाम सबसे ऊपर वाला जो बीड होता है वहाँ पे लेने के बाद आपको स्टार्ट करनी होती है। तो यहाँ पे कौन सी मंत्र किस तरीके से आप बोल सकते हैं, वहाँ पे वो मेंशन्ड है, वो इस तरीके से है कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत्य गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। इसका मतलब यही है कि श्री कृष्ण जो मतलब चैतन्य प्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत्य गदाधर और श्रीवासादि जो पांच महाभक्त हैं, उनके साथ साथ जो जितने भी भक्त वृंद हैं उन सबको शरण में लेते हुए हम हरे कृष्ण का जाप शुरू करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि जो भगवान कृष्ण है वो हर किसी के लिए एक दोस्त के तरीके से उसके ज़िंदगी में आके उसकी मदद करते हैं, एक टीचर के तरीके से भी आते हैं, और वो सारे गोपियों के मास्टर भी है, और साथ साथ राधा रानी के वो प्रिय है, और हम सभी उनका शरण कर रहे हैं और उनको अपने रेस्पेक्ट जता रहे हैं।
और उसके अलावा हमें राधा रानी जी जो कि वृंदावन की क्वीन है एंड किंग राजा वृषभानु के पुत्री है, उनको भी हम शरण कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा हमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से हमें भक्ति करना चाहिए, ठीक है। और भगवद गीता को तो गीता उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है, और इसके साथ साथ बहुत सारे वैदिक उपनिषद है जिसको पढ़ने से हमें बहुत सारा ज्ञान होगा। लेकिन उसमें से गीता में बोला जाता है वो इतना सिंपल लैंग्वेज में होता है, एंड वो अगर आपने जान लिया तो बाकी सब चीज़ों को अगर आप समय नहीं भी निकाल पाए, बिजी रहे तो भी चलेगा। लेकिन अगर वैदिक नॉलेज हम ले सकते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। वैदिक जो उपनिषद होते हैं, जो लिटरेचर होता है, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होता है, ठीक है। उसके बाद भगवद गीता के बहुत सारे एडिशंस होते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस में मिलते हैं जिससे हम भगवद गीता को जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एंड बहुत सारे और भी स्पिरिचुअल मास्टर्स और आचार्य के बारे में बताया गया है, जैसे कि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बर का स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु तो है ही, और कृष्ण भगवान खुद जो हमारे लिए इतना मतलब प्रेशियस भगवद गीता को उन्होंने बोला था। तो इन सब आचार्यों के साथ ही मतलब बोला जा रहा है, क्योंकि हम सभी ना भगवान के ही अंश है, तो सभी आचार्य के बाद बोला जा रहा है कि लॉर्ड हिमसेल्फ ऑल्सो एस्टैब्लिशेस हिमसेल्फ एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड इन द भगवद गीता, और उनके जो इस बात को फैलाने में मदद करे थे वो ये आचार्य जन थे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैसे कुरुक्षेत्र में भगवान ने कैसे मदद किया था अर्जुन को, और उस तरीके से अगर हमने जैसे भगवान ने अर्जुन को एक दोस्त के तरीके से और एक रिलेटिव के तरीके से, एक भगवान के तरीके से उन्होंने मदद किया, उस तरीके से हम भी भगवान के साथ बहुत तरीके के संबंध रख सकते हैं, जैसे कि एक्टिव डिवोटी बन के या फिर पैसिव, मतलब रोज़ जो उस तरीके से नियम नहीं कर पाते बट मन में अपने काम करते करते करते, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कभी नहीं कहा, ये भी इंट्रोडक्शन में लिखा है कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरा भक्ति करने के लिए आप संन्यास ले लो और जंगल में जाके या किसी ऐसे स्थान में जाके अपना काम काज छोड़ के सिर्फ मेरा नाम जापते रहो, ऐसे उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है अपने डेली लाइफ में अपने काम करते करते मेरा शरण करो, जैसे कि अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं आप मन ही मन उनका जाप कर सकते हैं, आप कोई भी काम में नियुक्त है उसमें करते करते, जैसे मैंने एक बार देखा था कि मैं कहीं गई थी, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठे मतलब थोड़ा सा आराम कर रहे थे और थक गए थे, तो वो हरे कृष्णा ऐसे ही बोल रहे थे। तो फिर उस तरीके से भी हम पैसिव स्टेट में भी कर सकते हैं, फिर उनको एज अ फ्रेंड मान सकते हैं, उनको एज अ पेरेंट मान सकते हैं, और उनको एज अ लवर भी मान सकते हैं, जैसे गोपियाँ करती थी। तो हर तरीके से ही वो हमें मदद करते हैं, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल होते हैं उनको अपने जीवन में, जिस तरीके से आप उनको मान सकते हैं और कंफर्टेबल हो पाते हैं उनके साथ, उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मेरे लिए एज अ फ्रेंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, वो लोगों के साथ साथ वो वैरी कर सकता है। फिर यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि अर्जुन को उन्होंने किस तरीके से गाइड किया, और अर्जुन ने भी ये चीज़ मेंशन किया था जब उसको रियलाइज़ हुआ कि भगवान सच में जो कृष्ण भगवान है वो भगवान है, ये चीज़ जब उसको रियलाइज़ हुआ तो फिर उसने ये चीज़ खुद कहा था कि यू आर द इटर्नल ट्रांसेंडेंटल ओरिजिनल पर्सन द अनबॉर्न एंड द ग्रेटेस्ट, मतलब आप ही सबसे स्पिरिचुअल, मतलब सबसे ऊपर हो, आप ही हो जिससे सब कुछ शुरू हो रहा है, एंड आप ही सबसे महान हो, और फिर ऑल दी ग्रेटेस्ट सेजेस सच एस नारदा, असीता, देवला एंड वैश्य कन्फर्म दिस ट्रुथ, सभी जो मुनि ऋषि है इन सभी का नाम, जो नारद है, असित है, देवला है, वैश्य है, इन सब ने भी यही चीज़ को रिकन्फर्म किया है कि हाँ भगवान जो है कृष्ण भगवान वही जो है सत्य है, और वही जो है सारे जो हमारे अलग अलग जो डेमी गॉड जिनको हम बोलते हैं ना, या जो मतलब भगवान जिनको हम बोलते हैं जो स्वर्ग में रहते हैं, या फिर जो असुर होते हैं देवगण और असुरगण, उन सबके ऊपर है भगवान कृष्ण। और फिर अर्जुन ने भी एक्सेप्ट किया था कृष्ण भगवान को परम ब्रह्म के रूप में,
ठीक है, और फिर ये हम जब आगे जाएंगे तब हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन को उन्होंने दर्शन दिया था, उस टाइम अर्जुन कैसे मतलब सरप्राइज एंड शॉक दोनों मिला के उनकी स्थिति हो गई थी जब भगवान ने अपना रूप दिखाया था ओरिजिनल फॉर्म, उसमें सारे जीव दिख रहे थे एक साथ में, एनिमल्स फिर ह्यूमन सारे एक साथ में दिख रहे थे, तो वो दृश्य भी हमें पता चलेगा। और उसके अलावा यहाँ बोला जा रहा है कि कृष्ण भगवान के बारे में मतलब अर्जुन की जो रियलाइजेशन है कि वही सत्य है, उस चीज़ को इलैबोरेट किया जाता है। और बहुत सारे लोग जो सफरिंग में रहते हैं, जो दर्द में रहते हैं, वो दर्द से निकल सकते हैं जैसे उनको कृष्ण भगवान की ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। कुछ लोगों को अपने बारे में सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होती है, तो वो सेल्फ रियलाइजेशन होने के लिए भी कृष्ण भगवान बहुत मदद करते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि वो कौन है, उनका लाइफ पर्पस क्या है, वो मतलब वो क्वेश्चन भी नहीं करते कभी कभी, उनको समझ में नहीं आता तो खुद खुद कौन हो उसके बारे में, या लाइफ पर्पस क्या है, वो अगर हम खुद को क्वेश्चन करें और भगवान के सामने वो डाउट लेके जाए तो वो ज़रूर उस चीज़ में हमें मदद करते हैं। एंड जो भी एक्टिविटी इंसान करता है उसको पूरा फेलियर माना जाता है जब तक कि वो इस बारे में जानना ही, मतलब जो ईश्वर का जो रियल रूप है या उसका जो लाइफ पर्पस है उसके बारे में जब तक वो जान ही नहीं पाए, ऐसे बिना किसी उद्देश्य के कोई कर्म करते रहे तब तक वो फेलियर माना जाता है। लॉर्ड कृष्ण जो है वो स्पेसिफिकली ह्यूमन फॉर्म में आए थे इस चीज़ को समझाने के लिए लोगों में और अच्छे से स्प्रेड होने के लिए, वो ह्यूमन फॉर्म में आए थे, नहीं तो वो समझा नहीं पाते लोगों से कि जब लोग जानेंगे कि वो भगवान होते हुए भी इतना हम्बल है, इतना डाउन टू अर्थ है, तो हम इंसान कहाँ का अहंकार रखने के योग्य है, तो उस चीज़ को भी समझाने के लिए और लोगों में बहुत सारी टीचिंग्स, बहुत सारे लर्निंग्स को बहुत सरलता के साथ समझाने के लिए भगवान ह्यूमन फॉर्म में आए थे। तो इस तरीके से मतलब मैंने बोला है था इंट्रोडक्शन जो है वो काफ़ी लंबा है, आज मैं थोड़ा सा इसमें कवर कर दूंगी और 10 पेज कर दूंगी, फिर और एक वीडियो में और 10 पेज और फिर और 10, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, 30 पेजेस का इंट्रोडक्शन है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में ही करते जा रही हूँ। तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि भगवद गीता में 5 बेसिक ट्रुथ के बारे में यानी कि सत्य के बारे में बोला जाता है। पहले बोला जाता है कि ये जो है एक साइंस साइंटिफिक है, जैसे कर्मा जो होता है वो हम न्यूटन्स लॉ, जो साइंस के स्टूडेंट्स उनको पता होगा, मैंने पहले भी बहुत 2-3 वीडियो में बोला है बहुत बार कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब आप जो भी काम करेंगे वो आपके पास उतनी क्वांटिटी में वापस ज़रूर आनी है ही, ठीक है। तो वो चीज़ जो है उसको कर्मा के साथ में रिलेट किया जाता है जो कि साइंटिफिक है, तो वो चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की जाती है। और लिविंग थिंग्स का अपना एक पोजीशन होता है, वो जीव कहलाते हैं, और ईश्वर जो है वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, ये भी आप साइंटिफिकली देखें कि हम इंसान कभी भी जो पृथ्वी की गति है या फिर चंद्रमा की गति है या फिर जो प्लैनेट्स की गति है या सूरज ढलता है और मतलब दिन होता है रात होता है, ये हम इंसान कभी भी चाहकर भी इन चीज़ों को नहीं कंट्रोल कर सकते, वो कोई और शक्ति है जो इस चीज़ को मतलब कंट्रोल करती है, वो हमारे हाथ में कभी भी नहीं है। तो हमें हमेशा इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि कोई एक कंट्रोलर है और हम सब जीव है जो कि उनके द्वारा कंट्रोल्ड हो रहे हैं, ठीक है। हमें जो नींद आती है उस टाइम पे हमारा दिमाग काम नहीं करता, अपने आप नींद आ जाती है। हम कोई भी इंसान अगर चाहे 2 दिन 3 दिन नहीं सोए उसके बाद उसका शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली वैसे ही काम करता है जैसे आपके बॉडी के ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप करके सांस लेते करके छोड़ते, ये सब आप चाहे भी तो नहीं बदल सकते कि नहीं हम करके सांस नहीं लेंगे, कुछ और तरीके से लेंगे, कान से हवा जानी चाहिए, ये सब नहीं कर सकते ना, किसी और ने ये डिसाइड करके दिया है। जो नास्तिक लोग भी होते हैं वो इतना तो समझ सकते हैं कि इंसान को मतलब इंसान रोबोट को बना सकता है, इंसान और एक इंसान को जन्म दे सकता है, लेकिन उसकी जो फॉर्मेट है कि बॉडी ऐसी चलेगी वो डिसाइड नहीं कर सकता है। माता पिता हमारे भगवान ज़रूर है कि लेकिन उनके भी ऊपर कोई और है जिन्होंने हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन या प्लान किया हुआ होता है कि ऐसी बॉडी चलेगी, एनिमल्स ऐसे दिखने होंगे, प्लांट्स ऐसे दिखने होंगे, प्लांट्स को रूट
चाहिए होगा पानी लेने के लिए, आसमान में ऐसे तारे दिखेंगे, इस तरीके से पक्षियाँ उड़ेंगी। मतलब ये जो फॉर्मेट है दुनिया को चलने के लिए, ये फॉर्मेट तो हम में से कोई भी नहीं डिज़ाइन कर सकता या किया हुआ होगा, राइट? किसी इंसान ने, जितना भी लोग समझ ले कि बहुत सारे लोग हैं जो कि समझते हैं कि इंसान ही इंसान की मदद करते हैं, वो सच बात है। भगवान को जो लोग नहीं मानते हैं कि हाँ भगवान ने कुछ मदद किया ही नहीं है, इंसान ने इंसान की मदद की हुई होती है, ठीक है, लेकिन जो फॉर्मेट है वो तो भगवान ने ही डिज़ाइन किया है ना, कि इस तरीके से ही चलेगी दुनिया, इस तरीके से ही प्लान, मतलब इंसान या एनिमल्स की बॉडी इस तरीके से चलेगी। तो ये सारे प्लानिंग्स तो हम में से किसी ने नहीं किया है, तो उतना आपको मानना ही पड़ेगा कि ईश्वर बोल के कोई शक्ति तो है जिसने ये सारे चीज़ें प्लान किया है, जो आपने नहीं प्लान किया है या आप नहीं जानते किसने प्लान किया है, तो समथिंग इज देयर। उतना तो साइंटिफिकली लॉजिकली सोचो, तो उसने अगर इतना कुछ प्लान किया है तो ज़रूर वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, या हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, या वो उस लेवल की साइंटिस्ट है जिस लेवल की हम नहीं हैं, या हमारे मतलब कोई भी इंसान नहीं पैदा हुआ। जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट को ले लो, उन्होंने सच्चाई को, लॉज बनाया है नहीं, उन्होंने लॉज को डिस्कवर किया है। जो न्यूटन का लॉ है या फिर आइंस्टाइन का लॉ है या जो भी उन्होंने फॉर्मूलाज बनाए, वो सत्य को आइडेंटिफाई करने में सक्षम हुए, उन्होंने सत्य को नहीं बनाया। सत्य ऑलरेडी था कि लाइट ऐसे आता है, लाइट की गति इतनी होती है, बाकी जो सारे सत्य है उन्होंने ये सब आइडेंटिफाई किया, उन्होंने ये सब बनाया नहीं है। तो उनमें उतनी बुद्धि है कि उन वो सब आइडेंटिफाई कर पाए, उस बात की उनकी क्रेडिट है, दैट इज़ 100% ट्रू। तो ये चीज़ हमें सीखने को मिलता है यहाँ से, ठीक है, ताकि हम अहंकार भी ना करें, सत्य को समझ भी पाए कि हाँ कोई है, कुछ है। तो बोला जा रहा है कि ये कृष्ण भगवान है, किसी भी नाम से लो, कोई शक्ति के नाम से भी ले लो, बट है, ठीक है। इफ़ अ लिविंग एंटिटी सेज दैट ही इज़ नॉट कंट्रोल्ड बट दैट ही इज़ फ्री, देन ही इज़ इनसेन। मतलब वो दिमाग उसका ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो पागल है। द लिविंग बींग इज़ कंट्रोल्ड इन एवरी रेस्पेक्ट एटलीस्ट इन हिज कंडीशन लाइफ। एटलीस्ट इस जीवन में तो उसको हर एक चीज़ को उस मतलब एटलीस्ट दिखता है जितना कि हाँ इस जीवन में आपका हर एक चीज़ कंट्रोल हो रहा है। फिर द लिविंग, सो इन भगवद गीता सब्जेक्ट मैटर डील्स विद द ईश्वर द सुप्रीम कंट्रोलर एंड द जीवाज द कंट्रोल लिविंग बींग्स एंड प्रकृति मटीरियल नेचर एंड टाइम द ड्यूरेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द होल यूनिवर्स और द मैनिफेस्टेशन ऑफ मटीरियल नेचर एंड कर्मा एक्टिविटी आर ऑल्सो डिस्कस। तो यहाँ पर मैं इंसान के बारे में, भगवान के बारे में, जीव बोल सकते हैं, इंसान नहीं, कोई भी जीव के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में, फिर ईश्वर के बारे में, प्रकृति यानी कि जहाँ हम रहते हैं अर्थ, या फिर पूरा यूनिवर्स को आप पकड़ सकते हैं उसके बारे में, और फिर आपका जो समय है, जिस समय से जिस समय तक आप इस जीवन काल में रहेंगे या फिर किसी अगले जीवन काल में रहेंगे, आप इसी को मान लेते हैं, बस इस प्रेजेंट जीवन काल में है वो, और आप कोई कर्मा कर रहे हैं इस जीवन काल में, उसका फल आपको क्या मिल रहा है। जैसे छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने पढ़ाई की एग्ज़ाम दी, अच्छा मार्क्स लिया, आपने पढ़ाई की एग्ज़ाम में नहीं लिखा, गलत मार्क्स में, आपने पढ़ा नहीं एग्ज़ाम, मतलब सजेस्टिव पढ़ा आपका, मतलब बाय चांस मैच हो गया, आपने अच्छे से लिखा, आपका एग्ज़ाम अच्छा गया, ऐसे मतलब बहुत सारे चीज़ें हो सकते हैं कर्मा के एग्जाम्पल्स, छोटे छोटे जो मैंने पढ़ाई को लेके दिए, ऐसे बहुत सारे होते हैं जो इंस्टेंट आपको फल मिलते हैं, है? और कुछ कुछ होता है जिसका फल मिलने में लेट भी होता है, वो डिपेंड करता है टाइम टू टाइम, लोगों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, बट वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस्ड है। फिर बोला गया था कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज़ फुल ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, ऑल लिविंग एंटिटीज़ आर इंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। सारे लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, दुनिया में भी अलग अलग काम चल रहा हुआ होता है। फ्रॉम भगवद गीता वी मस्ट लर्न दैट गॉड इज़ वॉट द लिविंग एंटिटीज़ आर एंड वॉट प्रकृति इज़ वॉट द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज़ हाउ इट इज़ कंट्रोल्ड बाई टाइम एंड वॉट द एक्टिविटीज़ ऑफ द लिविंग एंटिटीज़ आर, ठीक है। तो इतना मैं आज के लिए इतना ही रखती हूँ। फिर ये सारे पांच बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है उसमें से, उसके बारे में फिर डिटेल में थोड़ा थोड़ा करके, मतलब डिटेल इन द सेंस थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ में यहाँ पे है। इसके पहले मैंने थोड़ा ब्रीफ में बताया, रीड कर करके नहीं बताया, अगर आप चाहते हैं तो मैं रीड भी कर सकती हूँ, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने ब्रीफ में बताया ना, उतना भी अगर आप थोड़ा सा
सुनेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। और बाकी अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर बुक को ख़रीद के डिटेल में पढ़ भी सकते हैं साथ में, तो फिर आपको मज़ा भी आएगा। यही बुक ज़रूरी है या इसका अलग एडिशन है, क्योंकि ये तो मुझे काफ़ी पहले मिला था, इसका कोई अलग एडिशन अगर निकल गया होगा तो वो भी कर सकते हैं रीड, ठीक है। और यहाँ पे एक पार्ट में कवर कर दूंगी, यहाँ पे जो बोला गया है कि जो अर्जुन का रियलाइजेशन था कि नाउ वन मे थिंक दैट बिकॉज अर्जुन वॉज द फ्रेंड ऑफ कृष्णा वॉज द फ्रेंड ऑफ अर्जुना, अर्जुन वॉज टेलिंग हिम द फ्लैटरी वर्ड्स, जो हमने पहले जाना ना कि बोला गया था, जो बोल रहे थे अर्जुन कि आप महान हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप ही सब कुछ है, आप पवित्र है, मतलब ऐसे बहुत सारे फ्लैटरी वर्ड्स बोल रहे थे। बट अर्जुना जस्ट टू ड्राइव आउट दिस काइंड ऑफ डाउट फ्रॉम द माइंड्स ऑफ द रीडर्स ऑफ भगवद गीता सब्सटेंशिएट्स दैट दीज प्रेजेस इन द नेक्स्ट वर्ड्स व्हेन ही सेज दैट कृष्ण इज एक्सेप्टेड अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड नॉट ओनली बाई हिमसेल्फ बट बाई द अथॉरिटीज़। जब उन्होंने मैंशन किया कि नारद, असित, देवाला, वैसे देवा सभी यही चीज़ मानते हैं, तो ये चीज़ से वो कन्फर्म करते हैं वो अकेले ये चीज़ नहीं बोल रहे हैं, या अर्जुन उनको फ्लैटरी वर्ड्स नहीं बोल रहे हैं, ये सभी लोग ऐसे बड़े बड़े जो अथॉरिटीज़ थे वो लोग भी ये चीज़, या आचार्यज भी ये चीज़ मानते हैं, और उन्हीं की बात को मेंशन करते हुए उन्होंने बोला कि आई एक्सेप्ट यू से, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग यू से टू बी ट्रू। इसीलिए वो एक्सेप्ट करते हैं, उनको डबल कन्फर्मेशन मिल रही है, इसीलिए वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ अगर वो लोग भी मानते हैं कि आप महान हैं, मुझे भी लगता है कि आप महान हैं, तो इसी वजह से मैं आपके हर एक बात को मान लेता हूँ, ठीक है। तो हमने सात पेजेस, पेज नंबर 7 का हाफ तक हमने कर दिया। आगे हम, क्योंकि वीडियो भी 20-21 मिनट का हो गया है, तो हम ऐसे ही 7-8 पेज करके थोड़ा इंट्रोडक्शन पहले कवर करेंगे, फिर हम श्लोक में जाएंगे। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, अगर नहीं भी लग रहा है तो भी मेंशन कर सकते हैं, लग रहा हो तो भी मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा।